नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि आत्माएं अपने कार्यों में बाधाएं आने पर क्या करती हैं। दोस्तों, हर आत्मा के कोई ना कोई कार्य होते हैं और अपने कार्यों को पूरा करने के लिए वह आतुर रहती हैं। बहुत सी आत्माओं की अधूरी इच्छाएँ भी होती हैं और बहुत सी आत्माएँ अधूरे कामों को पूरा करने के लिए, अपने कार्यों को पूरा करने के लिए या किसी के द्वारा निर्देश दिए गए कार्यों को पूरा करने में लगी रहती हैं। अब ऐसा नहीं है कि इन कार्यों को पूरा करते वक्त इनको बाधा नहीं फेस करनी पड़ती, आत्माओं को भी बाधा फेस करनी पड़ती है। ये बाधाएं अलग अलग रूप में हो सकती हैं। ये किसी इंसान के रूप में हो सकती हैं, देवी देवता के रूप में हो सकती हैं, किसी जानवर के रूप में हो सकती हैं, किसी जगह के रूप में हो सकती हैं, किसी कार्यस्थल के रूप में हो सकती हैं, किसी निर्माण कार्य के रूप में हो सकती हैं, किसी पूजा पाठ के रूप में हो सकती हैं। तो जो अलग अलग बाधाएं इनके सामने प्रकट होती हैं उनको ये रोकने का प्रयास करती हैं। सपोज़ कोई आत्मा आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है और आपका पितर वो बाधा बन रहा है कि नुकसान नहीं पहुंचाने दे रहा, तो वो पितर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी ताकि उस बाधा को दूर कर सके और फिर आपको नुकसान पहुँचा सके। सपोज़ आप पूजा पाठ करते हो जिससे आपकी रक्षा हो रही है, तो वो उस पूजा पाठ को रोकने का प्रयास करेगी, क्योंकि अगर वो पूजा पाठ बाधा बन रहा है तो उस पूजा पाठ से आपका मन छुटाने का प्रयास करेगी कि आप पूजा पाठ बंद कर दो जिससे वो आप पे अटैक कर सके। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में आपको अपनी पूजा पाठ बंद नहीं करनी है। चाहे दुख आए चाहे सुख आए, आपको भगवान पे भरोसा हमेशा कायम रखना है। उसके अलावा अगर कोई इंसान बाधा बन रहा है, कोई फैमिली मेंबर बाधा बन रहा है तो उनको भी ये नुकसान पहुंचाती हैं। कोई जानवर बाधा बन रहा है तो उसकी मृत्यु तक करा देती हैं, क्योंकि जानवर अक्सर नेगेटिव ऊर्जाओं की ऊर्जा को ले लेते हैं, अपने अंदर सोख लेते हैं और बहुत हद तक अटैक्स को रोकने का प्रयास करते हैं, तो ये जानवरों को भी टारगेट बनाती हैं। अब देवी देवताओं को एक ऐसे टारगेट बनाती हैं कि ये ईश्वर के खिलाफ, उन पॉजिटिव शक्तियों के खिलाफ नेगेटिव शक्तियों को इकट्ठा करना शुरू करती हैं जो इनके सपोर्ट में आ जाती हैं, ताकि वो किसी न किसी तरीके से पॉजिटिव शक्तियों से लड़ के उस पर्टिकुलर इंसान तक पहुंच सके जिसको नुकसान पहुंचाना है। देवी देवता डायरेक्ट नहीं आते, बल्कि उनकी पॉजिटिव एलिमेंट्स आते हैं या उच्च बली आत्माएं या वो शक्तियां जो उनसे कनेक्टेड होती हैं या उनको मानती हैं, वो आपकी मदद के लिए आती हैं। तो ये उनको रोकने का प्रयास करते हैं और उसके लिए ये और अन्य नेगेटिव शक्तियों को एकत्रित करना शुरू कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने विश्वास को अडिग ना होने दें, क्योंकि जब भक्ति बढ़ती जाती है तो ईश्वर जो मदद का दायरा है उसको बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को कभी भी हल्के में ना लें। कभी भी आपको अटैक फील हो रहा है, कभी भी अटैक इस तरीके से महसूस हो रहा है कि हाँ कोई पैरानॉर्मल एनर्जी अटैक कर रही है, अब डिफरेंट डिफरेंट वेज में अटैक करती हैं, कपड़े कट जाते हैं, शरीर से बाल उड़ जाते हैं, बाल तक खिंच जाते हैं रातों रात में, यहाँ तक कि चीज़ें दिखती हैं, भारीपन होता है, दर्द तेज़ी से शरीर में पैदा कर देती हैं, चोट मार देती हैं, गिरा देती हैं, घर को तहस नहस कर देती हैं, हर जगह से झगड़ा करवा देती हैं, घर में जी भर के विस्फोटक कलेश करा देती हैं। तो हर तरीके से ये पूर्ण प्रयास करती रहती हैं। तो आपको भी अगर इस तरीके के सिम्टम्स फील होते हैं तो इनको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कोई भी सपने में दिख रहा है, परेशान कर रहा है, पूजा करते वक्त दिख रहा है, दबाव बना रहा है छाती पे, शरीर पे, कंधों पे, सर पे, आपको चक्कर आने लग रहे हैं, आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके घर में हैं, नेगेटिविटी है। लड़ाई करते वक्त आप इतना आपा खो देते हो कि मरने मारने को तैयार हो जाते हो, आपका मन करता है कि आप जान ले लो अपने परिजन की। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव फोर्सेस होती हैं, पैरानॉर्मल एनर्जी होती है, भूत प्रेत का साया होता है, गंदी ऊर्जाएँ होती हैं जो आपसे ऐसा करवाती हैं। तो ऐसे मामलों में चाहे सामने प्रत्यक्ष कोई नेगेटिविटी दिखे या ना दिखे, समझ जाना चाहिए कि कोई ना कोई पैरानॉर्मल एंगल है, कोई ना कोई गंदी ऊर्जा घर में है। तो उनको हल्के में ना लेते हुए इलाज की तरफ सोचना चाहिए। रेगुलरली आप इन सब चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं, जीवन को नॉर्मल बना सकते हैं। एक तो आप अपनी भक्ति चालू रखें, पूजा पाठ बंद ना करें, दूसरा घर में जोत जलाते रहें, तीसरा अपने आप को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, घर को साफ़ सुथरा रखें,
और घर में रेगुलरली धुनी करें, जो हम देते हैं सुपर प्लैटिनम धुनी, चाहे वो करें, चाहे रेगुलर धुनी करें हमारी, चाहे सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी करें, आप यकीन मानिए ये सारी गंदी ऊर्जाएं भागती दिखाई देंगी। इनका प्रकोप घटने लगेगा, अटैक घटने शुरू हो जाएंगे, हर तरीके से आपका बचाव होने लगेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन अदृश्य दुश्मनों का पता नहीं चलता ये कब फिराक में हो, कब मौका ढूंढ के आपको नुकसान पहुंचा दें। तो बहुत ज़रूरी है कि इनको भी नुकसान पहुंचाया जाए, इनको भी पता लगे कि दर्द क्या होता है, इनको भी पता लगे कि अगर तुम अटैक करोगे तो तुम पे भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तभी ये पीछा छोड़ेंगी, तभी ये आपके जीवन से बाहर भागेंगी, आपके जीवन से निकल जाएंगी, गेट आउट हो जाएंगी। और भले ही कोई दुश्मन बार बार भूत प्रेत नेगेटिविटी भेज भी रहा हो, तो भी वो वापस भागती रहेगी जब तक घर में आपकी धुनी होती रहेगी हमारी। तो इन चीज़ों से निजात पाइए, अपने जीवन को बेहतर बनाइए, क्योंकि ये मैक्सिमम काम रोक देती हैं। खाली अटैक ही नहीं करती, कम से कम 80-90% आपके कार्यों को रोक देती हैं। आप मेहनत तो इतनी करते हो, पर मिलता आपको मुश्किल से उसका 5% रिटर्न है, और वो इन्हीं नेगेटिव एनर्जीज के कारण होता है। तो जीवन में अगर भरपूर तरक्की करना चाहते हो, क्लेश से दूर रहना चाहते हो, बीमारियों से दूर रहना चाहते हो, जीवन में सुख चाहते हो, तो धुनी रेगुलरली करो। चाहे रेगुलर धुनी करो हमारी, चाहे सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, चाहे सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लैटिनम, चाहे सुपर प्लैटिनम, आपके हर परेशानियों से आपको निजात मिलने लगेगी, काम बनने लगेंगे। और कहीं ना कहीं इस तरीके के अटैक्स अगर आप फील कर रहे हो तो वो घटते दिखाई देंगे। आप धुनी मंगा सकते हैं, आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।